दोस्तों अगर हम दूध की बात करें तो आपके दिमाग में भी कभी न कभी ये सवाल तो जरूर आया होगा कि दूध जो हम पीते हैं क्या ये वेजिटेरियन है या फिर नॉन वेजिटेरियन। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोगों में अक्सर ये विवाद होता रहता है कि दूध नॉन वेज है, कुछ लोग मानते हैं कि दूध वेज है। आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं कि अगर ऐसे लोग जो कि दूध को वेज मानते हैं तो उसके पीछे वो क्या तर्क देते हैं, और अगर दूध नॉन वेज है तो उसके पीछे का क्या तर्क है। हालांकि इन सब से हटकर अगर हम बात करें तो देखिए, दूध वेज हो या नॉन वेज, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि दूध हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसमें इतने सारे मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स पाए जाते हैं जिनके बिना हमारे शरीर का विकास बिल्कुल भी हो नहीं सकता। तो आप इन सब विवादों से बचते हुए दूध को खाने पीने से परहेज तो बिल्कुल भी मत करिएगा। लेकिन जो फैक्ट है आज हम उन पे बात करेंगे कि वेजिटेरियन लोग आखिर इस विवाद के पीछे का क्या तर्क देते हैं और नॉन वेजिटेरियन इसे कैसे देखते हैं। देखिए, जो वेजिटेरियन का पक्ष है उनका मानना यह है कि दूध एक किसी भी जानवर या एनिमल के शरीर का एक मियर सिक्रेशन होता है, यानी कि एक स्राव होता है, जैसे हमारे शरीर में ब्लड होता है। लेकिन इसमें कोई हड्डी या मांस का टुकड़ा नहीं पाया जाता, इसलिए इसे वेज नहीं नॉन वेज नहीं मानते। और उनका कहना यह भी होता है कि इसमें कोई लिविंग सेल नहीं होता, यानी कि जैसे हमारे शरीर में लिविंग सेल्स पाए जाते हैं उनके अंदर जान होती है, यानी जैसे हम मुर्गा मछली इनके अंदर देखते हैं कि इनके शरीर में जान होती है। और जो इनके शरीर में पाए जाने वाला सेल होता है वो भी जिंदी हालत में होता है, यानी कि वो उसके अंदर जीवन होता है। लेकिन दूध के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में ऐसा कुछ भी नहीं देखा जाता, इसलिए उनका मानना है कि ये नॉनवेज तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यह पूरी तरह से जीवित किसी भी कंडीशन में दिखाई नहीं देता और ना ही कोई इसमें सेल पाए जाते हैं। अगर आपको हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में इसको सात्विक कहा गया है, यानी कि सैक्रेड, यानी कि बहुत ही पवित्र भोजन माना जाता है। और कुछ लोग तो इसको लैक्टो वेजिटेरियन भी कहते हैं। लेकिन नॉन वेजिटेरियन जो हैं इसके पीछे के बहुत सारे अलग अलग तर्क देते हैं, उनके पास रीजंस की भरमार है जो कि वेजिटेरियन लोगों से काफ़ी ज़्यादा है। सबसे पहली बात देखिए, अगर हम साइंटिफिकली बात करें तो जो दूध का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, यानी हम डीएनए की बात कर रहे हैं, वह केवल एनिमल्स में ही पाया जाता है। दुनिया में कोई भी ऐसा पादप या प्लांट नहीं पाया जाता जिसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, उसके सेल का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, वह दूध जैसा हो, क्योंकि ये सिर्फ एनिमल की प्रॉपर्टीज़ में ही देखा जाता है। इसके अलावा जो इसमें फैट पाए जाते हैं वह एग फैट की तरह ही होते हैं, यानी अंडे में जो फैट पाया जाता है वो बिल्कुल वैसा ही होता है दूध में पाया जाने वाला फैट, यानी कि अंडे और दूध में काफ़ी हद तक सिमिलरिटी है चर्बी को लेकर। उसके अलावा कुछ ऐसे एसेंशियल अमीनो एसिड पाए जाते हैं जैसे कि विटामिन B12, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, गुण हैं, ये केवल जानवरों या फिर आप कह सकते हैं कि नॉनवेज फूड में ही पाए जाते हैं। यानी कि ये सारी जगह मोटी मोटा तौर पर कहें तो दूध पूरी तरह से साइंटिफिकली ऐसा ही दिखता है कि यह नॉनवेज है, क्योंकि चाहे वो फैट के मामले में हो, एसेंशियल अमीनो एसिड के मामले में हो, या फिर किसी विटामिन या कोलेस्ट्रॉल के मामले में हो, सारी प्रॉपर्टीज़ जो है इसको ये इसी तरफ ले जाती है कि इसका सीधा सीधा संबंध नॉनवेज आइटम से है। और अगर सबसे बड़ा जो रिसर्च का विषय है उसकी अगर हम बात करें, उसके जो प्रूफ है, तो वो है ब्लड। यानी कि रिसर्च में भी ऐसा देखा गया है कि जो दूध होता है पहले वास्तव में वो किसी भी एनिमल का ब्लड होता है, जो कि एक बायोकेमिकल प्रोसेस से गुजरता है और आगे चलकर यह दूध में कन्वर्ट हो जाता है। इसका सबूत आपको तब मिलेगा जब आप दूध को कहीं टेस्ट कराने ले जाएंगे, आपको मिलेगा कि दूध के जो सैंपल्स हैं उसमें आपको ब्लड के सेल्स मिलेंगे और पस सेल्स मिलेंगे। यानी कि ये जो सेल्स हैं इससे पता चलता है कि जो दूध है वह हमें देखने में भले ही खून से अलग दिखता हो, मांस ना हो, लेकिन उसकी जो बनावट है और उसमें पाए जाने वाले जो तत्व हैं, सेल्स हैं, वह ब्लड ही हैं। अब चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, जैसे कि दूध से दही बन जाने पे दही दूध से अलग नहीं हो सकता, यानी कि जो ब्लड है वह भले ही लाल दिखते हों वास्तव में, लेकिन जब बायोकेमिकल प्रोसेस से गुजरते हैं तो वह अपने रंग रूप में चेंज हो जाते हैं, वह लाल के बजाय अब हमें दूध की तरह सफ़ेद दिखाई देने लगते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो अपनी क्वालिटीज चेंज कर दिया है या फिर अब वो दूध जो है वो चीज़ नहीं रह गया जो कि पहले वो वास्तव में था। यानी कि कहने का मतलब ये है सीधा सीधा कि दूध का जो फॉर्मेशन होता है, दूध का जो उत्पादन होता है, वो कहीं ना कहीं खून से ही होता है। अब वो चाहे किसी भी तरीके से हो, किसी भी बायोकेमिकल प्रोसेस से गुजरने के बाद हो, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके अलावा आपको एक बात और बता दें, अगर आप किसी भी नतीजे पर पहुंच रहे हैं
कि दूध को हम वेज मानेंगे या नॉन वेज मानेंगे, तो ये तो तर्क थे जिसके पीछे वेज और नॉन वेजिटेरियन आपस में अक्सर लड़ते रहते हैं। लेकिन चाहे आप किसी भी पक्ष में जाएं, वेज या नॉन वेज के पक्ष में, लेकिन इस बात को हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि दूध हमारे हड्डियों को, दांतों को, मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और हेल्दी बनाते हैं। इसके अलावा वो हमें शरीर में अपने आप को शांत रखने में और अच्छा फील करने में भी मदद करते हैं। हमारे शरीर के वो वाटा पीटा को भी बैलेंस करके रखते हैं। यानी इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं हमारे दूध में जो कि हमारे शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद हो। अब आप किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचिए, चाहे आप उसे वेज मानिए या नॉन वेज मानिए, लेकिन साइंटिफिकली इस बात पे ज़्यादा जोर मिलता है कि दूध नॉन वेज आइटम ही है, भले आपके कोई भी तर्क क्यों ना हो। क्योंकि देखिए, सिंपल सी बात है, अगर आप मांस खाते हैं या मुर्गा खाते हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि अगर हम मांस नहीं खा रहे हैं तो फिर मुर्गे में पाई जानी हड्डी या बाल वो वेज है, क्योंकि उसमें जान नहीं है। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर किसी जानवर से आप कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हैं, चाहे उसके शरीर का खून हो, उसका मांस हो या उसकी हड्डी हो, वो उसी के हिस्सा है, वह वेज हो ही नहीं सकते। अगर आपको वेज ही लेना है तो आप प्लांट से लीजिए, चाहे वो प्लांट की चर्बी हो या फिर ऑयल हो या बीज हो, कुछ भी हो, प्लांट से मिलने वाले सारे चीज़ वेज होते हैं। एनिमल्स का कोई भी हिस्सा आप खाते या छूते हैं तो वो नॉन वेज ही होता है, भले ही इसके पीछे की आपके तर्क कुछ भी हो, लेकिन साइंस तो यही मानता है। अब आप क्या मानते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल दूध पीना नहीं छोड़िएगा, क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।